बरेली में आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के आधार पर लेखपाल पद पर चयनित लेखपालों का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय सभागार में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिले में 148 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। जनप्रतिनिधियों में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और बिथरी चौनपुर विधायक राघवेंद्र शर्मा, महापौर उमेश गौतम, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी को लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर की जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा, पूरे प्रदेश में आज नवनियुक्त 7,720 लेखपालों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त पत्र वितरित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा बरेली के 5 लेखपालों को नियुक्त पत्र दिया गया। वहीं इसी क्रम में बरेली में 148 लेखपालों को नियुक्त पत्र वितरण किया गया है। वहीं नवनियुक्त लेखपालों ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये दिन उनके लिए बहुत खास है, वह अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। बरेली में शिव भक्तों की मदद के लिए इस बार SSP ने कावड़ सेल गठित की है। बीते साल सावन में जोगी नवादा में 2 बार बवाल हुआ था, इसलिए इस बार पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। SSP ने कावड़ सेल का गठन कर पहली ही बैठक में जत्थेदारों से समन्वय स्थापित करने सहित अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिए। कावड़ सेल में 1 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा, 4 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल चुनाव सेल वाले दफ्तर में बैठकर कार्य करेंगे। यह पुलिस के चुनाव सेल वाले दफ्तर में बैठकर काम करेंगे। SP सिटी और SP उत्तरी व दक्षिणी के क्षेत्र से संबंधित सावन व कावड़ के आंकड़े और गतिविधियां अब इसी सेल के जरिए संचालित होंगी। SSP सीधे तौर पर इस सेल के कामकाज की मॉनिटरिंग करेंगे और SP यातायात शिवराज इसका पर्यवेक्षण करेंगे। जिले भर में कावड़ को लेकर कोई गतिरोध है तो वह SSP को तत्काल पता लग जाएगा, इस पर तत्काल एक्शन भी लिया जा सकेगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर बरेली आ रहे भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार की गाड़ी को देर रात झुमका चौराहे के पास सामने से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में सांसद, उनका सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर बाल बाल बचे। टक्कर मारने वाला आरोपी शराब के नशे में था। इसकी सूचना पर पहुंची सीबीगंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गाड़ी पुलिस के कब्जे में है। भाजपा के तमाम नेता व व्यापारी हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे। अफरातफरी के बीच अर्टिका सवार गाड़ी लेकर भागने लगा। सांसद के ड्राइवर भवानी, PA नरेंद्र व गनर ने उसे पकड़ लिया। सीबीगंज इंस्पेक्टर राजबली ने बताया कि अर्टिका सवार शेरगढ़ निवासी संतोष कुमार हिरासत में है। बरेली के कैंट इलाके से लापता किशोरी का शव हावड़ा में मिला। कार्रवाई की मांग को लेकर SSP ऑफिस और कलेक्ट्रेट में लोगों ने प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की है। SSP अनुराग आर्य ने CO को मामले में कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। कैंट पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। कैंट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 28 जून को अपनी 14 साल की बेटी के अपहरण की रिपोर्ट आरोपी युवक शेखर मौर्य, उसके पिता मूलचंद, मां नाथू देवी, भाई सूरज व अर्जुन के खिलाफ दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी बेटी 27 जून को किताब खरीदने की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। गाँव वालों ने बताया कि उसे शेखर मौर्य अपने परिजनों की मदद से अपहरण कर ले गया है। शेखर ने कैंट थाने में सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह और किशोरी घर से खुद निकले और हावड़ा के एक होटल में ठहरे थे। मीरगंज पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हुई झमाझम बरसात और कई बैराज से छोड़े गए पानी से तहसील क्षेत्र की बहगुल, पीलाखार, किच्छा और रामगंगा समेत सभी नदियां में तेजी से जल स्तर बढ़ने के साथ ही उफान पर हैं, जिसके कारण पानी नदियों से निकलकर फसलों और गांवों में धंसने लगा है। साथ ही क्षेत्र की कई सड़कों के ऊपर से होकर गुजर रहा है, जिससे आवागमन ठप्प होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और गांव जौनेर में पीलाखार नदी भूमि की कटान करते हुए ओवरहेड टैंक की ओर बढ़ने लगी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है। हालांकि तहसील प्रशासन इस मामले में लगातार सजगता बरते हुए है। बैराज से भारी तादाद में पानी छोड़े जाने से बहगुल और किच्छा व पीलाखार और रामगंगा नदी में मंगलवार से ही जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा था और विगत 2 दिनों से पानी बहुत तेजी से बहा है। पीलाखार नदी के उफान होने से गांव जौनेर में बनाए जा रहे ओवरहेड टैंक की बाउंड्री बॉल के समीप नदी ने भूमि का कटान करना शुरू कर दिया है और गांव में पानी धंसने के अलावा फसलें भी पूरी तरह से जलमग्न होने लगी हैं। बरेली में बिजली विभाग के बड़ी लापरवाही से सिरौली क्षेत्र को बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है, जिससे नगर वासियों में बिजली विभाग के प्रति कड़ा आक्रोश है। देर रात से गई हुई बिजली बुधवार की दोपहर 12 बजे जाकर ठीक हुई।
बुधवार को केवल 2 घंटे बिजली चलने के बाद 33 केवी विद्युत लाइन ब्रेकडाउन में हो गई, जिससे सिरौली क्षेत्र वासियों को बिजली संकट पैदा हो गया। इस उमस भरी गर्मी से नगरवासी पूरी तरह बेहाल हो गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को जरा भी परवाह नहीं है। बसेर बिजली उपकेंद्र से सिरौली क्षेत्र की बिजली चालू की गई है। क्षेत्र का अधिक लोड होने के कारण बार बार 33 केवी विद्युत लाइन ब्रेकडाउन में हो रही है और क्षेत्र की जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बरेली में बहेड़ी में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष ने वृद्ध पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। गांव मलहपुर सबराह के प्राचीन शिव मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरों को एक पक्ष के व्यक्ति ने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, जिस पर दूसरे पक्ष ने इस पर कड़ा एतराज किया। दोनों पक्षों भूपराम और दूसरे पक्ष के प्रीतम के घर एक दूसरे के पास में ही हैं। एक पक्ष का कहना था कि उसने कैमरों को मोबाइल से क्यों कनेक्ट किए। उन्होंने आपत्ति करते हुए कहा कि वह लोग मोबाइल में गांव की औरतों को देखेंगे। इसी बात पर दोनों भूपराम और उसके पुत्रों गौरी शंकर व सर्वेश का दूसरे पक्ष के प्रीतम राम और उसके पुत्रों अनिल व कपिल में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उनमें लाठी डंडे और पत्थर भी चले। इसी दौरान एक पक्ष के किसी ने 70 वर्षीय भूप राम को ईंट फेंक कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव में बच्चा लड़ रहे थे तो चक्कर में बचाने के चक्कर में गए थे, इनके ईंट मार दी। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर के वैज्ञानिक दुर्घटना के शिकार एक कछुए को बचाने में लगे हैं। IVRI के वन्यजीव केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी डॉक्टर एन पावड़े ने बुधवार को बताया कि बदायूं के कुछ समाज सेवी 8 जुलाई को दुर्घटना के शिकार एक कछुए को संस्थान में लेकर आए थे। दरअसल कछुए की पीठ के ऊपर से कोई बड़ा वाहन उसे कुचलता हुआ निकल गया था। उन्होंने बताया कि परीक्षण से पता चला कि कछुए का सख्त आवरण या खोल टूट गया है और ऐसी स्थिति में कछुए का जीवित बचना मुश्किल होता है। पावड़े ने बताया उसके कवर को जोड़ने के अनेक प्रयासों में कामयाबी नहीं मिलने के बाद और थाई सर्जिकल पिन की एक रिंग बनाई गई और उन्हें जोड़ने के लिए स्टेपलर का इस्तेमाल किया गया, जिससे फिलहाल सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि वे कछुए को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी बिजली करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्राम माधोपुर माफी निवासी चंद्रपाल को काम करते समय बिजली का करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि रात में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हुई है। सुबह सूचना मिली तो पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा है। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के गांव चिटोली में आकाशीय बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बिजली की फिटिंग जलकर राख हो गई और घर की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा मोहल्ले के घरों कुछ के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। गनीमत रही, कोई जन हानि नहीं हुई। लेखपाल ने पीड़ितों के घर पहुंचकर नुकसान की जानकारी ली। पीड़ित परिवार के मुकेश सिंह ने बताया कि आज सुबह बारिश हो रही है, हम लोग बाहर टीम में थे। अचानक तेज धमाके से 11 बजे आकाशीय बिजली दीवार तोड़ती हुई किचन पर गिरी, जिससे किचन का लिंटर में दरार पड़ गई, किबाड़ में छेद हो गया। दीवार टूट गई, टीवी सहित घर में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बिजली की फिटिंग जलकर राख हो गई। पड़ोसी छवि पत्नी सुनीत सिंह नल पर नहा रही थी, अचानक बिजली करंट लगने से उनके कई पटके लग गए और वह बेहोश हो गई। ग्राम प्रधान अनुज सिंह की सूचना पर हल्का लेखपाल ने पीड़ितों के घर पहुंचकर नुकसान की जानकारी लेकर सरकार से मदद दिलाने का भरोसा दिलाया।